नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय कैसीनो। इस वक्त की हम खबर बता दें कि आज चंडीगढ़ में जो लॉकडाउन लगा है उसके बकायदा हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मनी माजरा मार्केट कहेंगे कि मनी माजरा मार्केट पूरी तरह से बंद हो चुका है, व्यापारी वर्ग जा चुके हैं। शाम 6 बजे से जो है तो कर्फ्यू इम्पोज किया गया था। वहीं बात की जाए तो अब लोगों का आवागमन जो है तो आवाजाही भी थमता नज़र आ रहा है। उसी पर अपेक्षा हम आपको अगर बता दें कि जो नाइट कर्फ्यू अब इम्पोज किया गया है शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, उसी वर्ग में अब जो है तो मनी माजरा कहीं ना कहीं इस मामले में बंद होता दिखाई दे रहा है। लोगों की आवागमन पे भी अब आप देख सकते हैं कि सीधा असर है इस समय दिखाई देता है। बाकी और लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे, जो व्यापारी वर्ग हैं यहाँ से जा चुके हैं उन लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन का क्या इफेक्ट है क्या नहीं। सर, दुकान है आपकी? हाँ जी। ठीक है, कोई खास इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। कंप्लीट लॉकडाउन लगाओ ना, 4 घंटे में क्या कोरोना रुक जाएगा? आप बताओ कहाँ कहाँ इतनी शादियाँ हो रही है पहले बताओ। पंजाब में लॉकडाउन लगाया गया था, नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया था, पंचकूला ने कर दिया और चंडीगढ़ इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर चंडीगढ़ इम्प्लीमेंट नहीं करता तो क्या वहाँ के लोग चंडीगढ़ भाग के आते? वो तो फर्क तो पड़ता ही है इसका। जैसे चंडीगढ़ ने अगर ये प्रशासन ने अगर ये फैसला लिया तो क्या ये सही है गलत है? कुछ हद तक तो ठीक है, पर ऐसा है ना कि जब हम ये कंप्लीट लॉकडाउन, व्यापार में तो पूरा इफेक्ट पड़ ही रहा है। 4 घंटे में क्या आप कितना काम कर लोगे? 4-6 घंटे में आप उतना ही कितना काम कर लोगे, अपने कितने कस्टमर आप अटेंड कर लोगे, इतने तो अपना खर्चा भी नहीं निकल पाता। हाँ जी, क्या नुकसान ही नुकसान है, व्यापार में तो नुकसान ही है। सर क्या कह सकता है, तो व्यापार में तो नुकसान ही है। महामारी को बचाने के लिए ये सर या तो फिर 15 दिन पूरा ही कंप्लीट लगा दो, रोकने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दो, उससे अब थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस 4 घंटे एक आप बताओ कि 3-4 घंटे बंद करने से क्या कोरोना कंट्रोल हो जाएगा? अब सर ये जो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है इसका आपको क्या लगता है, क्या मुनाफा है क्या घाटा है? सर हम तो दुकानदार हैं, हम तो अपनी दुकान की ही बात करेंगे ना, दुकान को तो घाटा ही घाटा है। देखो कोई भी महामारी अगर दुकान से फैलती है वो लोगों के घरों तक जाएगी, तो क्या लगता है इसी प्रशासन का फैसला सही है? सर मेरी एक बात बताओ, जो कि बलात्कार हो जाता है तो कहते हैं दुकानें बंद कर दो, कोई कानून गलत पास हो जाता है कहते हैं दुकानें बंद कर दो, किसानों का काम नहीं बनता तो दुकानें बंद कर दो, भारत बंद कर दो, क्या हर काम दुकानों से ही हो रहा है? क्या हम दुकानदारी काम इसके लिए, हमारी औकात क्या है, दुकानदारों की औकात क्या है? गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट ने हमारे को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। हम किसी को अपनी दुकान के आगे से गाड़ी तक नहीं हम हटा सकते, हमारी क्या वैल्यू है? कोई भी काम होता है, कहीं झगड़ा हो जाता है किसी दुकानदार का, किसी सरकारी अफसर के साथ झगड़ा हो जाता है, दुकानें बंद कर दो। कोई भी काम हो जाता है दुकानें बंद कर दो, बीमारी फैल गई दुकानें बंद कर दो। सर इसके बारे में तो प्रशासन जो फैसला करता है वो हमें मानना ही पड़ेगा, हम प्रशासन के आगे कैसे जा सकते हैं? हमारी समस्या सुनने वाला कौन है? हम तो ये बोल रहे हैं हमारी समस्या सुनने वाला कौन है? कोई भी काम होता है दुकानें बंद कर दो बस, कोई भी काम होता है। मतलब कंप्लीट लॉकडाउन लग जाए ना एक बार तो कम से कम जड़ से तो खत्म होना, पूरा कंट्रोल तो हो। लगाओ 24 से 14 दिन का लगा दो, चाहे 28 दिन का लगा दो, पर लगाओ कंप्लीट भी, ऐसा लॉकडाउन लगाओ कि जैसे पिछले साल भी बीमारी कंट्रोल हो गई थी। ये जो हाफ ये हाफ डे वाला है ना, इससे अब तो संसाधन भी है, सब कुछ है, अब तो ऑक्सीजन कहाँ, ये चंडीगढ़ जैसे शहर में कहाँ ऑक्सीजन की कमी है? इतने तो न्यूज़पेपर, आप खुद न्यूज़ वाले आपको खुद नहीं पता क्या यहाँ तो ऑक्सीजन? सर फरीदाबाद लग जाए, हम अपने शहर की बात करेंगे ना, यहाँ किसी की कमी है? यहाँ तो नहीं किसी चीज़ की कमी है, यहाँ तो कोई ना कोई बेड की कमी है। अब उसको अरे डर ही आए और क्या है, मतलब इसको हम नहीं कह सकते। अब डर आपने कि कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ा लॉस होता जा रहा है और प्रशासन का जो ये फैसला है उसको व्यापारी वर्ग मानने पे कहीं ना कहीं मजबूर है, लेकिन देखा जाए तो उनका सवाल बहुत वाजिब है कि क्या कंप्लीट लॉकडाउन लगाना बेहतर नहीं है? आम लोगों की समस्या वैसे तो बढ़ती जा रही है, लेकिन देखा जाए तो आज जो पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का उसके बारे में अभी तक की जो अपडेट थी वो हमने आपको साझा की।